हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माई किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसी सब्ज़ी, ना तो ये दाल है ना ही सब्जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आलू, कच्चा आलू है, छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेंगे, हरा धनिया और 4 से 5 घंटे भिंगोया हुआ चना का दाल, हरा प्याज और टमाटर। आप चाहें तो नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं। कुकर को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे तेल 2 चम्मच। यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच डालूँगी जीरा, 3 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता। इसमें मैं अब आलू डाल करके इसे गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। आलू को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिंगोया हुआ चना का दाल, इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल का कलर चेंज होने लगा है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अब प्याज, फ्रेंड्स ये सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है। अब पूड़ी के साथ, चावल, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप सब्जी खा करके बोर हो गए हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्टी तो होती ही है, हेल्दी भी है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट। एक से दो मिनट चलाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी मसाला। तो मसाला में मैं ले रही हूँ नमक, हल्दी और लाल मिर्च। मैं यहाँ पे धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं। बिना धनिया पाउडर के भी इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है, तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। इसमें डालेंगे टमाटर, 2 टमाटर ले रही हूँ मीडियम साइज़ का, और गरम मसाला 1 चम्मच। सभी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि खुशबू इसकी अच्छी आने लगे। फ्रेंड्स, जब मसाले भून जाते हैं तो इनकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पर मैं डालूँगी 2 चम्मच पानी ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से भून जाए। ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 लीटर पानी। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी पानी कर सकते हैं। अगर आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पतला बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे इसका ढक्कन लगा करके इसमें 4 सीटी लगाऊँगी। चार सीटी लगने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया तरह से अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं कलछे की सहायता से इसमें जितने भी आलू हैं सभी को और चना का जो दाल है सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हो चुका है, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है। ये पूरी चपाती किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरा धनिया के पत्ता और 1 चम्मच घी। आप चाहे तो घी के जगह पे बटर भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।